लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ओडिशा, भारी बारिश की वजह से सरकार ने जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा। अब तक 12 लोगों की मौत। नई दिल्ली, ओडिशा सरकार ने आज 6 जिलों के जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। ये सभी जिले डेल्टा क्षेत्र में आते हैं। भारी बारिश की वजह से महानदी और बैतरणी नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। ओडिशा में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अभी तक मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी है। सरकार ने महानदी और बैतरणी नदी में पानी का स्तर बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। सरकार ने जिलाधिकारियों को डेल्टा क्षेत्र में सभी इमरजेंसी हालात में तैयार रहने के लिए कहा है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्य के हालात को देखते हुए कहा, हमें हर तरह के आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, साथ ही और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को अस्थायी आश्रय दिया है। पटनायक ने जिला प्राधिकरण को बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भी कहा है। स्पेशल रिलीफ कमिश्नर राहत आयुक्त के सूत्रों के मुताबिक कालाहांडी जिला में 4 जबकि 2 लोग संबलपुर और कंधमाल, ढेंकनाल, जजपुर, सबरनपुर, नयागढ़ और मलकानगिरी में एक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हालांकि स्पेशल रिलीफ कमिश्नर बीपी सेठी ने महानंदा डेल्टा क्षेत्र के कटक, केंद्रपारा, जजपुर, जगत सिंहपुर, खुर्दा और पुरी में जिलाधिकारियों का हाई अलर्ट पर रखा है। बीपी सेठी ने बताया कि शाम से कटक के पास मुंडाली गौज स्टेशन से लगभग 7,30,877 क्यूसेक जल बह रहा है। उसी तरह केंदुझर, जजपुर और भद्रक जिला के जिलाधिकारियों को भी आपातकालीन हालात में तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि बैतरणी नदी में पानी का स्तर खतरनाक लेवल 17.83 से ऊपर आ चुका है। अधिकारियों ने कहा कि अभी तक 14 जिलों के 62 ब्लॉक में कम से कम 4 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ में प्रभावित जिलों में अंगुल, बौद्ध, बरगढ़, देवगढ़, जजपुर, कालाहांडी, कंधमाल, खुर्दा, कोरापुट, नयागढ़, रायगड्डा, संबलपुर, सुबरनपुर और पुरी शामिल हैं। हीराकुद जलाशयों के अधिकारियों ने सोमवार को मौसम की पहली बाढ़ के पानी को छोड़ने की घोषणा की है, जो महानदी में बाढ़ की स्थिति में वृद्धि कर सकती है।